दूर से ही पूरे हरियाणा में रेवाड़ी की खबर आ रही है कि रेवाड़ी से हमारे भाई चिरंजीव बड़े बहुमत से जीतने जा रहे हैं। रेवाड़ी हल्के ने ठाना है हरियाणा में कांग्रेस की सरकार को लाना है और चिरंजीव भाई को बड़े बहुमत से जिताना है। और मैं समझता हूँ कि पूरे हरियाणा प्रदेश में भी कांग्रेस के प्रति बहुत अच्छा माहौल है। पूरे प्रदेश से कोने कोने से यही बात आ रही है कि बीजेपी की सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही है। लोगों ने बदलाव का मन बना लिया हरियाणा में। बीजेपी का कुशासन 10 साल तक हरियाणा की जनता को ठगने का काम जिस पार्टी ने किया कोई काम नहीं किया इन्होंने 10 साल। इन्होंने हरियाणा जैसा प्रदेश जो दिल्ली के तीन तरफ बसा है, आज 10 साल का रिपोर्ट कार्ड ये है कि वो प्रदेश आज बेरोजगारी में नंबर एक, आज वो प्रदेश हरियाणा अपराध दर क्राइम रेट में नंबर एक, आज वो प्रदेश हरियाणा नशे में देश में नंबर एक, भ्रष्टाचार महंगाई और ऊपर से बदहाली, क्योंकि विकास की तरफ तो ध्यान ही नहीं रहा खट्टर साहब का 10 साल। सबको उलझा दिया, किसी को प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी पोर्टल में, आम नागरिक को, नौजवान को कच्ची भर्तियों में, सीटी में, कहीं जाति धर्म पे लोगों को उलझा दिया, काम कुछ किया नहीं, हरियाणा का नुकसान ही नुकसान किया। और इसीलिए कांग्रेस संकल्पित है हरियाणा को एक बार दोबारा से विकास और खुशहाली के रास्ते पे लेके जाने के लिए, और लोगों का हमें साथ मिल रहा है। दीपेन जी ने चुनाव से पहले हिसाब मांगा भाजपा सरकार से, अब तमाम विधानसभा में आप जा रहे हैं, कितनी सीट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी जो माहौल आप देख पा रहे हैं तमाम विधानसभा? मैं समझता हूँ बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जिस तरीके से अमित शाह ने रैली करी और कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री बताया, क्या लगता है किस तरीके से बयान आ रहे हैं? किसने क्या, अमित शाह ने आज कुमारी शैलजा को कांग्रेस का मुख्यमंत्री बताया अपनी रैली में? देखिए तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी और भाजपा में फर्क एक है। 10 साल की बीजेपी की सरकार के कार्यकाल के बाद भाजपा के नेता अपने काम बता के वोट नहीं मांग रहे, कांग्रेस को निशाने पे रख के वोट मांग रहे। 10 साल के बाद कांग्रेस की राजनीति को निशाने पर, हुड्डा साहब को निशाने पर और कांग्रेस के नेताओं को निशाने पर रख के वोट 10 साल के बाद भी काम नहीं गिनवा रहे। और हम 10 साल विपक्ष में रहकर भी हम ये बता रहे हैं कि रेवाड़ी में हमारे समय विश्वविद्यालय बना, आईटीआई बनी, कॉलेज बना, खरखड़ा में कॉलेज बना, सैनिक स्कूल आया और ये सब विकास कार्य है जो चिरंजीव भाई ने गिनवाए। ये फर्क है, इनके पास 10 साल के गिनवाने के काम नहीं है। इसीलिए 10 साल के बाद भी जब ये आते हैं, आ रहे हैं बड़े बड़े नेता दिल्ली से इनके आ रहे हैं, तो वो ये नेता कह रहे हैं कि हम हिसाब ही नहीं देंगे, जो उन्होंने पहले भी कहा था कि हुड्डा साहब हम हिसाब नहीं देंगे, आपको याद होगा वो भी इन्होंने ही कहा था। तो यानी कि 10 साल में कुछ किया ही नहीं, केवल बंटाधार किया, इसीलिए अपने मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदल दिया क्योंकि सबको पता चल गया इस मुख्यमंत्री ने तो कुछ किया नहीं। आप बताओ दीपेन जी, हरियाणा में सोशल इंजीनियरिंग पूरी तरह से काम किया आपकी कांग्रेस के पक्ष में, अब वही तोड़ने के लिए शैलजा प्रकरण नंबर को शैलजा बीजेपी में ज्वाइन कर दिया, वो तो उन्होंने जवाब दे दिया, वही मैं कह रहा हूँ। आखिर ये आया क्यों, वजह क्या लगती है आपको? क्योंकि बीजेपी आईटी सेल, वजह लगती है बीजेपी का आईटी सेल। बीजेपी का आईटी सेल को लोगों से कोई मतलब नहीं है, हरियाणा की जनता इतनी परेशान है उससे कोई मतलब नहीं। बीजेपी का आईटी सेल कभी ये नहीं बताता कि बीजेपी ने क्या किया, वो हमेशा कांग्रेस को अपने निशाने पे रख के जो है 10 साल के बाद भी हम निशाने पे, बीजेपी के लगातार 10 साल के शासन के बाद भी निशाने पे हैं हम। कुछ तो हमारे में भी होगा दम, कांग्रेस पार्टी में भी दम होगा, तो ये स्थिति है। क्वेश्चन लेते कि जिस तरह से जब आप पहुंचते थे अभी सीएम के नारे लगते हैं, क्यों मान ली आपके तो दौरे भी उसी एंगल पे हो रहे हैं, अभी डिप्टी सीएम के नारे चिरंजीव जी के लगे, आपके सीएम के लगे, क्या माने कि चेहरा होंगे दीपेन जी से हरियाणा? देखिए हरियाणा के अंदर कांग्रेस के बड़े बहुमत से सरकार बनेगी, यही हमारा लक्ष्य है, बदलाव हो हरियाणा में, कांग्रेस की सरकार बने जो हर वर्ग को साथ लग के हरियाणा को दोबारा से खुशहाली और विकास की तरफ लेके जाए। जहां तक उस सरकार में कौन क्या पद होंगे ये फैसला कि हमारी कांग्रेस पार्टी की एक पद्धति है, एक प्रणाली है, विधायक दल जब चुन के आएगा कांग्रेस का, प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनेगी, तो विधायक दल की भावना जानने के लिए ऐसी ऑब्जर्वर आते हैं, वो उन भावना से शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराते हैं और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तो अपने विवेक से फैसले लेता है, ये हमारी पद्धति और प्रणाली है। लेकिन एक बात मैं सही मान रहा हूँ आपकी बात, धन्यवाद करता हूँ प्रेस के हमारे भाई जो लगातार ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि कौन बनेगा और किस पद पर बनेगा। ये हमारी बहुत बड़ी नैतिक जीत है कि मान के चल रही है प्रेस कि सरकार तो कांग्रेस की आ रही है,
मुद्दे तो ये प्रेस मान के चल रही है, तो हम इस बात के लिए आपका धन्यवाद, हम धन्यवाद ही है आपका। हरियाणा के बड़े मसले क्या है? अपने प्रॉपर्टी आईडी का मसला, तमाम ऐसे मसले उठा रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि सरकार में आने के बाद करेंगे, तो सबसे बड़े मसले चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ा मसला है बेरोजगारी का। आज आपने देखा ना तो निजी क्षेत्र में निवेश हुआ इस गवर्नमेंट में, कोई नया औद्योगिक क्षेत्र नहीं लगा, निवेश नहीं हुआ, निजी क्षेत्र में रोजगार सर्जन नहीं हुआ, और सरकारी नौकरी समाप्त कर दी गई। जो बची कुची थी वो बड़े बड़े पेपर लीक घोटाले, भर्ती घोटाले, उनकी भेंट चढ़ गई। आज ये पर्ची खर्ची की बात करती है बीजेपी,